नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ट्रेंड न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने कैंपेनिंग और तेज कर दी है। कोरोना काल में हो रहे चुनाव के बीच कुछ नियम तय किए गए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी और आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ताजा मामला पटना एयरपोर्ट थाने का है, जहाँ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 7 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के उल्लंघन और एयरपोर्ट परिसर के बाहर भीड़ इकट्ठा कर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। पटना के विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 7 लोगों के विरुद्ध IPC की धारा 188, 269, 270 और महामारी एक्ट 2897 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के जिन जिन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह, अविनाश पांडे, अजय कपूर, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य देवेंद्र यादव, मोहम्मद निजामुद्दीन और दीपक नेगी शामिल हैं।